अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से जमीनें हो रही बंजर, गंभीर बीमारियों को निमंत्रण दे रहा जहरीला धुआं। फैक्ट्री प्रबंधन ने 943 बीघा भूमि के बदले गौचर भूमि नहीं की ग्राम को आवंटन। जहरीला धुआं, बीमारी, फसलें चौपट, मुश्किलें झेलने को मजबूर ग्रामवासी। पाली जिले के जैतारण उपखंड के निकट बलाड़ा गांव में एक निजी प्राइवेट अंबुजा सीमेंट कंपनी की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बलाड़ा गांव में आई हुई यह अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री 30 वर्ष पूर्व इसी तर्ज शर्त के तहत प्रशासन द्वारा आवंटन की गई थी कि जमीन के बदले जमीन फैक्ट्री प्रबंधन उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन 30 साल बीत जाने के बाद भी 943 बीघा भूमि पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद और फैक्ट्री शुरू होने के बाद भी ग्रामवासियों को 943 बीघा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। आज इस फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला एवं अपशिष्ट पदार्थ से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है एवं किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं हो रही। फैक्ट्री के आसपास सूनापन नजर आता है और किसी भी प्रकार की फसलें यहाँ उत्पन्न नहीं हो रही। तो वहीं ग्रामीणों को फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से सिलिकोसिस सहित हृदय रोग संबंधी, दमा संबंधी अनेक बीमारियां फैलती जा रही हैं। स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, प्रदूषण विभाग एवं राज्य सरकार को भी इस बाबत कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन ग्रामीणों की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पदार्थ, तरल पदार्थ से एवं पेड़ पौधे भी खराब हो चुके हैं एवं मवेशियों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। इस फैक्ट्री के मालिक एवं प्रबंधक द्वारा ना तो किसी को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और न ही किसी प्रकार का मुआवजा। 30 वर्षों से फैक्ट्री प्रबंधक की मनमानी क्षेत्र में चलती है। प्रभावशाली राजनेताओं की शहर के कारण इस फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि दिनों दिन आसपास के अनेक गांवों में हालात विकट होते जा रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा 943 बीघा जमीन पर अब भी कब्जा है और अपनी माइंस सीमेंट फैक्ट्री आज तक ग्रामवासियों को गौचर भूमि के बदले भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। स्थानीय ग्रामीण एवं सरपंचों ने प्रशासन के हर तरफ के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आई। इस फैक्ट्री के कारण आसपास के क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों का भी निमंत्रण दे रही है एवं लोग एवं ग्रामवासी गंभीर रोगों की चपेट में भी आते नजर आ रही हैं। तो वहीं प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। फैक्ट्री के लग जाने के कारण आसपास के गांव के मवेशियों के लिए चारे पानी की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बलाड़ा गाँव के सरपंच हो, इस फैक्ट्री से क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और क्या प्रयास किए आपने? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस ग्रामीण इलाके में पहुंच के हमारी सुध लेने की जो सोची उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और हमारों को और हमारे ग्रामीणों को इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मुझे खास करके विश्वास है कि आप हमें न्याय दिलाएंगे और आप हक दिलाएंगे मुझे। मैं जब से यहाँ से निर्वाचित हुआ हूँ, बार बार कलेक्टर साहब को दिया है, खनन विभाग को दिया है, फैक्ट्री प्रशासन को दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ जो इनकी माइंस आई हुई है वो गौचर में है 934 बीघा, और ये जो अनापति पत्र दिया गया उनको इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 934 बीघा के बदले जमीन देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है या ग्राम पंचायत आपत्ति नहीं है, ग्राम पंचायत बलाड़ा को आपत्ति नहीं है। इस आपत्ति पत्र में जमीन के बदले जमीन देने का जो बोला गया है, लिखा गया है, उसके आधार पर इनको लीज मिली है। उसके आधार पर नहीं तो पिछले विगत 30 सालों से इन्होंने जमीन दी है न ग्रामीणों के। इधर जो माइंस के उधर जो केसरपुरा पाटन लगते हैं उधर तो सब गरीबणी को, ग्रामीण किसान लोगों को मुआवजा मिल रहा है, न बलाड़ा को मुआवजा मिल रहा है। उल्टे गौचर जो हमारे गायों के लिए जो घास फूस की जगह थी, गाय चरने की जगह थी, उसको अवरोध करके 934 बीघा में इन्होंने खनन कर रहे हैं। मैंने काफ़ी समय तक जगह जगह तक गुहार लगाई मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इन लोगों से और आपसे और सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता चाहता हूँ कि तो मतलब खेती का बहुत नुकसान होता है या कुछ उपचार नहीं होती। हम इतने परेशान हैं कि मेरे बीमारी तक लग गई इससे, तो हम क्या करें अब बताओ, आप ही बताओ हम कहाँ जाएं, खेती को छोड़ के, घर को छोड़ के कहाँ जाएं। सब इस फैक्ट्री से हो रहा है, सब इस फैक्ट्री से हो रहा है। फैक्ट्रियों से आपको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? ये फैक्ट्रियों माने तो घनी समस्या ऐसा खर्च अबर वेगा इनने फैक्ट्री ने चलता ने ये धुआड़ो प्रदूषण कोयलो सीमेंट हगली पड़े कन्ने हाव घड़े बैठा और कष्ट घरानी जमीन की ओड़ी भी मैं मान लो टाबरी लागड़ो को नहीं और गौचरी जमीन पूरी 934 बीघा जमीन ले ली भी और बीरे बदले फाची जमीन खरीदन देवनी जो आया जो कोई बिग्गा फैक्ट्री हूँ लेकिन कष्ट घरानी कोई गाँव रानी कुणी होना ही नहीं करी। अबे नया सरपंच आया इन्हें माँ की ओसा थोड़ी इनकी इनकी मदद करो माणी जन क्यों मारूँ वही जड़ी मैं करूँ ठीक है सर। अबे इन्हें कंपनी वाला ने कई नोटिस दे दिया, कई SDO साहब कने की कलेक्टर साहब कने की प्रशासन कने हैंगा कने की, लेकिन
ए माणी होना ही नहीं करी। मैं कट काया रहेगा, मैं थाने बताएगू दंदाव मरे खेदड़ी बांट का और माते की रेवनी पैदा की रेवनी वो पानी है पिए जगह मत दे जो आप डस्ट कितनी है जो देखो कितनी डस्ट है वो आम राज तो हो रेवनी रेकड़ रेमी ने इन्हें रास्ता नहीं ये बंद कर दियो।